नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य डॉक्टर मनोज विप्लव आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, हमारे इस वीडियो का विषय है त्रिफला चूर्ण के स्वास्थ्य संबंधी फायदे। आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण औषधि है जिसका नाम है त्रिफला, जिसका अर्थ होता है तीन फलों का मिश्रण। भारत के प्रबुद्ध आयुर्वेदज्ञ ऋषियों द्वारा प्राचीन काल से त्रिफला का उपयोग किया जाता रहा है और आज भी लोग इसके आयुर्वेदिक गुणों के कारण, स्वास्थ्यप्रद गुणों के कारण इसका लाभ उठा रहे हैं। त्रिफला चूर्ण के वैसे तो बहुत फायदे हैं। मुख्य रूप से यह पेट से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। यह पेट में लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करता है, जिससे मल को आसानी से निकलने में मदद मिलती है और कब्ज की समस्या कम होती है। इसके अलावा त्रिफला चूर्ण पेट की अंदरूनी परत को ठंडा रखता है, सूजन को कम करता है, पेट की जलन से राहत दिलाता है। इसका नियमित सेवन पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और आंतों की अच्छे से सफाई करने में मदद करता है। इसके नियमित सेवन से पाचन क्रिया में सुधार आता है, आंखों की दृष्टि बेहतर होती है, गठिया और सूजन से राहत मिलती है, दांत और मसूड़े मजबूत बनते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मोटापा को कम किया जा सकता है, मूत्र संबंधी समस्याओं का इलाज करता है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे आग्रह करूंगा कृपया शीघ्र हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर अवश्य क्लिक कीजिए, जिससे हमारे आगामी स्वास्थ्य प्रद शिक्षा प्रद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। इस वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए अब जानते हैं त्रिफला चूर्ण के सेवन से हमें क्या क्या स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। त्रिफला चूर्ण में हरितकी नामक घटक होता है जो पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। यह खाने के बाद अपच और गैस की समस्या को कम कर सकता है। त्रिफला चूर्ण का नियमित सेवन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। त्रिफला चूर्ण आँखों के लिए भी है फायदेमंद। त्रिफला चूर्ण आँखों की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो दृष्टि को सुधार सकते हैं। इसके अलावा यह ग्लूकोमा और कैटरेक्ट की तरह अन्य आंखों की बीमारियों के खिलाफ भी रक्षा करता है। गठिया और जोड़ों के सूजन में दिलाता है राहत। त्रिफला चूर्ण जोड़ों की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया और जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। दांतों और मसूड़ों के लिए भी है फायदेमंद। त्रिफला चूर्ण का गरारा करना और मुंह को धोना दांतों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। यह मसूड़ों को मजबूती प्रदान करता है, मसूड़ों संबंधित समस्याओं को दूर कर सकता है। इसके अलावा यह मुंह के कीड़ों के खिलाफ भी लड़ता है, मुंह के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। रोग प्रतिरोधक शक्ति को करता है मजबूत। त्रिफला चूर्ण आपके इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान कर सकता है। इसमें विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। यह आपको सर्दी, जुकाम, फ्लू और अन्य संक्रामक रोगों से बचाने में मदद कर सकता है। वजन और मोटापा को कम करने में है सहायक। त्रिफला चूर्ण मोटापा कम करने में मदद कर सकता है। यह पाचन को सुधारने में मदद करता है और शरीर की अतिरिक्त वसा को जलाने में सहायक होता है। यह खून में शुगर स्तर को नियंत्रित करके मदद कर सकता है, जिससे मोटापे के जोखिम को कम किया जा सकता है। मूत्र विकारों में भी है लाभप्रद। त्रिफला चूर्ण मूत्र संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। यह यूरिन इन्फेक्शन, किडनी स्टोन्स, मूत्र वाहिनी संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है, मूत्र के संचालन को सुधार सकता है, मानसिक स्वास्थ्य को बनाता है बेहतर। त्रिफला चूर्ण मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधार सकता है। यह स्ट्रेस को कम करने में और मानसिक तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है, जिससे आपका मन शांत और शरीर रहता है स्वस्थ। त्वचा रोगों में भी बहुत है कारगर। त्रिफला चूर्ण चरम रोगों के इलाज में बहुत फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो त्वचा के स्वास्थ्य और जमा बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। यह त्वचा को मुहासों, डर्मेटाइटिस जैसी समस्याओं से निजात दिलाने में मददगार साबित होता है। हृदय रोगों के जोखिम को करता है कम। त्रिफला चूर्ण हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसमें विटामिन सी, अन्य पोषक तत्व होते हैं जो हृदय के लिए फायदेमंद होते हैं। ये रक्त दबाव को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं और हृदय संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण का नियमित सेवन हृदय के लिए आराम की भावना को बढ़ावा देता है और रक्त दबाव को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। बालों के लिए भी हितकर होता है त्रिफला। त्रिफला बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बालों को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। त्रिफला का तेल बालों के रूखापन से निपट सकता है और बालों को चमकदार और स्वस्थ बना सकता है। मधुमेह या शुगर को नियंत्रित करने में है कारगर। त्रिफला चूर्ण मधुमेह के रोगियों के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें विभेदकी नामक घटक होता है जो रक्त में शुगर के स्तर को संतुलित कर सकता है। त्रिफला का नियमित सेवन मधुमेह के प्रबंधन में सहायक माना जाता है। दर्शकों, अभी हमने जाना त्रिफला चूर्ण के सेवन से क्या क्या स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं त्रिफला चूर्ण घर में बनाने की क्या विधि है। इस चूर्ण को बड़ी आसानी से आप घर में
में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए त्रिफला के तीन फल चाहिए, हरड़, विभिदकी और आंवला। इन तीनों फलों को समान मात्रा में इकट्ठा करके अच्छे से धूप में सुखा लेना चाहिए। अब सूखने पर इन अच्छे से पीस लें। इन्हें पीसकर एकदम महीन बना लें और पीसे हुए पाउडर को छलनी से अच्छे प्रकार से छान लें और अंत में आप इस चूर्ण को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। दर्शकों, अब हम जानेंगे किसे त्रिफला चूर्ण का सेवन करने से बचना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को, शुगर के मरीजों को और छोटे बच्चों को त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल करने से पहले अपने चिकित्सक से राय अवश्य करनी चाहिए। यदि आपको किसी तरह त्रिफला चूर्ण से जुड़ी एलर्जी है तो आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। त्रिफला चूर्ण को किसी और दवा के साथ सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से इसकी राय अवश्य करनी चाहिए। दर्शकों, अब हम त्रिफला चूर्ण के सेवन की उचित मात्रा, समय और अनुपान के विषय में जानेंगे। त्रिफला चूर्ण का पूर्ण स्वास्थ्य लाभ उठाने के लिए इसकी उचित मात्रा अत्यंत आवश्यक है। वयस्कों के लिए एक चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ लेना अति उत्तम माना गया है। त्रिफला चूर्ण का सेवन रोज करना बेहतर होता है ताकि आपका पाचन सिस्टम स्वस्थ और आंतरिक शुद्धि से नियमित रूप से सहायक हो सके। त्रिफला चूर्ण को सुविधाजनक तरीके से सेवन करने के लिए आप इसे पानी में मिलाकर या गर्म दूध के साथ भी पी सकते हैं। ध्यान दें, आपको उचित मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। दर्शकों, आयुर्वेदिक औषधि त्रिफला से संबंधित हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने बहुमूल्य राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। हमारे इस शिक्षा प्रद स्वास्थ्य प्रद चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर अवश्य क्लिक कीजिए जिससे हमारे आगामी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय भारत, जय आयुर्वेद।